तो गाइज आज के स्टूडियो में आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ सन्यासी आयुर्वेदा से। हमने कंप्लीट बात की है दवा के रिलेटेड साइड इफेक्ट, बेनिफिट्स, कैसे दवा छोड़नी चाहिए, कब खानी चाहिए और वेट लॉस क्यों होता है, इस पर भी मैंने बात की है। तो कंप्लीट इस वीडियो में सुनने वाले हैं पूरी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिएगा, अच्छे समझिएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि एंड में कुछ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो चलिए सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। जी सर, हमने ये दवा मंगवाई थी तो 2 महीने यूज किया था, लेकिन छोड़ने के बाद वेट वापस से लॉस हो गया। अच्छा, 2 महीने आपने दवा कंटिन्यू यूज किया था, हाँ लेकिन छोड़ने के बाद आपका वेट फिर से कम हो गया था। हाँ तो वेट तुरंत आपका कम हो गया था या कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके कम हुआ? जी सर, 10-15 दिन बाद धीरे धीरे कम हो गया। अच्छा, 10-15 दिन बाद धीरे धीरे कम हो गया। भूख भी कम हो गई या भूख वूख ठीक लग रही थी? अभी क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी वेट कम है? अब वेट कम है मेरा, पहले से 7-8 केजी कम हो गया। ओके, और भूख कैसी है? अब तो ठीक हो गई भूख, क्योंकि मुझे छोड़े हुए 1 महीना हो गया। ठीक है, तो देखिए दवाई को ना सर जी अचानक से बंद नहीं करते हैं। जैसे कोई चीज़ हम रेगुलर, मान लीजिए आप 2-3 महीने से रेगुलर चाय पी रहे हैं हाँ और अचानक से वो अगले दिन से मिलना बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत आपके शरीर में महसूस होने लगती है। उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत मतलब आपकी बॉडी में महसूस होगी। अगर उस पर ना मिले तो अलग अलग से इफ़ेक्ट आपके बॉडी में देखने लगेंगे। तो वैसे ही दवाई को जब हम रेगुलर ले रहे हैं 2-3 महीने से, हाँ तो हाँ उसको धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके बंद करना होता है, अचानक से नहीं बंद करना होता है। लेकिन सर आप तो बोलते थे कि 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने तक लें। नहीं, 3 महीने का तो कोर्स होता ही है, लेकिन उसको जब भी बंद करें, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी सेहत बन गई है, हाँ तो बंद करने से पहले एक बार हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा। अच्छा और जिस तरीके से आपको सुझाव दिया जाए आपके वेट के अकॉर्डिंग, हाँ उस तरीके से दवा को बंद करेगा तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, वैसे इसके अंदर क्या-क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? इसमें देखिए है आपको शुद्ध शिलाजीत है, शुद्ध गुग्गल है, सफ़ेद मुसली है, अश्वगंधा है, वायवरिक भस्म है, मंडूर भस्म है, अर्जुन की छाल है, कूंच के बीज हैं। इस तरह की जड़ी बूटियों को मिला करके इस दवा को निर्मित किया गया है। अच्छा, फिर इसके ठीक है, साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? साइड इफेक्ट नहीं होता सर जी। देखो, कोई भी चीज़, हमारे धरती पर कोई भी चीज़ बनी है, हमारा शरीर उस तरीके का होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर ले रहे हैं, अगर आप डेली, आपको रात रात को दूध पीने की आदत है, तो अगर एक दिन ना दूध मिले तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी बॉडी में महसूस होगा कि हाँ, कोई चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। ठीक हाँ है, तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है उस तरीके का है, किसी किसी भी चीज़ को लेकर के हैबिचुअल हो जाता है। जैसे किसी लड़की के हम संपर्क में रहते हैं 3-4 महीने, साल भर, अचानक से उससे मिलना जुलना, बात होना बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई मतलब कुछ फील हो रहा है, भूख नहीं लगती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, मन बेचैन रहता है। तो एक ह्यूमन नेचर ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को रेगुलर, अगर किसी भी चीज़ में 2-3 महीने से रह रहे हैं, तो एक तरीके से वो आदत के रूप में बन जाती है। तो उसको धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके, आप क्या करें? अभी हाँ आप दवाई को एक महीने की दवा और यूज कर लो आप, ताकि जो आपका वेट रिड्यूस हुआ है वो मेंटेन हो जाए। उसके बाद जब आपका वेट मेंटेन हो जाएगा, आपके पास लास्ट 10-12 दिन की मेडिसिन रह जाएगी, तो छोड़ने से पहले एक बार हमें कॉल करके आप बता देना, तो आपके वेट के अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे कि आप दवाई को किस तरीके से, बची हुई दवाई को किस तरीके से बंद करें, बंद करने के बाद अपनी दिनचर्या को कैसी रखें, किस तरह के खान पान रखें, क्या परहेज करें, ताकि आपका जो वेट है वो फिर दोबारा डाउन ना हो। अच्छा सर, चलो ठीक है।